क्या नाम है आपका? गौरव पांडे। कहाँ रहते हैं आप? हरिगांव। आपके माता पिता? साथ में रहते हैं। क्या नाम है माता पिता जी का? पिताजी का नाम श्री राजमणि पांडे है और माता जी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है। क्या करते हैं आप? मैं? हाँ, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। मतलब क्या सोशल वर्क में क्या काम करते हैं? सोशल वर्क में लोगों की सेवा भाव, देख रेख। अच्छा, अवेयरनेस। आपके भाई हैं? जी। भाई लोग क्या करते हैं? सब प्रोफेशन में हैं, अलग अलग प्रोफेशन में सब लोग काम कर रहे हैं। कितने भाई हैं आप? हम चार भाई हैं। अच्छा, सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में। एक सिविल इंजीनियर हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एक अकाउंटेंट हैं। अच्छा, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं सभी को किया हूं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अच्छा, उसके आगे? उसके आगे आपने पढ़ाई नहीं किया? नहीं, उसके बाद जॉब हमने किया। अच्छा, तो आप सोशल वर्कर हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? मतलब आगे और भी कुछ करना चाहते हैं? अगर लोगों के बीच में रह करके लोगों को सेवा भाव करना। अच्छा, स्वस्थ रहने के लोगों के लिए उसके बारे में कुछ दिमाग में है। भैया, आपके भाई लोगों का नाम क्या है? भाई बड़े भैया का नाम है इसलिए अनिल पांडे नाम है। वो जो है इस समय जो है NCC जी रूट बनाती है कंपनी, उसी में डायरेक्टर है। अच्छा, वो हटी में पोस्ट है। और दूसरे नंबर वाले भाई साहब जो हैं वो दिनेश पांडे वही ब्लॉक में खंड विकास प्रशांतपुर में अपने ब्लॉक में है, इंजीनियर। अच्छा, और तीसरे वाले भाई साहब नोएडा में हैं, वो अपनी खुद की कंपनी है, उसमें वो डायरेक्टर हैं। किसी की कंपनी है? हम नोएडा में पेशे से हम लोग बिल्डर। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? रिटायर्ड टीचर हैं। अच्छा, घर पे रहते हैं, कृषि का कार्य करते हैं? हाँ। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, दो बच्चे हैं मेरे पास। क्या करते हैं वो? अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा, 3 साल की है, 5 महीने। अच्छा, अभी पढ़ाई नहीं, मतलब छोटे बहुत, लेकिन ये है वो भी उस श्रेणी में है, एजुकेशन की श्रेणी में। कई सारे पोइम्स, कई सारी। अच्छा, बच्चों का क्या नाम है? बड़ी विद्या का नाम जो है काव्या है, श्रुति उसको लिखने के लिए श्रुति है, और छोटी का नाम जो है कविता है, कृति उसका नाम। आपके गांव में सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल्स हैं? स्कूल्स भी है, हॉस्पिटल्स भी। हॉस्पिटल कहाँ पे है? प्राथमिक विद्यालय के जस्ट बगल। वहाँ पे देख रेख अच्छे से होती है? हाँ। अच्छा, आपके गांव में मतलब आपके इधर आसपास में डिग्री कॉलेजेस है जो पास में पढ़ता है? नहीं, डिग्री कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, ये इंटीरियर एरिया पड़ जाता है। अच्छा, और थोड़ा सा विकास कार्यों का रुझान यहाँ थोड़ा इंटीरियर होने की वजह से ब्लॉक का, जिले का सबसे लास्ट छोर पर हम लोगों का गाँव पड़ता है, तो योजनाओं का विशेष तरीके से यहाँ। तो क्या क्या गांव में क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें हैं अभी? गांव में क्या क्या आ जाए तो ज़रूरतें पूरी हो जाएं? गांव में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, इसका मेडिकल क्षेत्र में भी कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी। अभी गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का भी यहाँ गाँव में उपेक्षा का शिकार अभी गाँव है हमारा, जो कि गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है गाँव के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या कौन किस चीज़ के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहे। मेडिकल क्षेत्र में मान लीजिए भी जो है हम सारे लोग जो है गांव का ही, हम लोगों का गांव का दायरा इतना बड़ा है, जंगली एरिया है, लोग अस्वस्थ रहते हैं और जान ही नहीं पाते हैं। स्टाफ की कमी होती है, छोटा मोटा हॉस्पिटल है भी, वहाँ स्टाफ की कमी पहली बात। यहाँ पर प्रधान मतलब कुछ करते नहीं है? नहीं नहीं, प्रधान जी का एक अपना रोल है, प्रधान का जो अपना रोल है वो उस तरीके से वो करते हैं। यहाँ पे गांव में हर गांव में शौचालय और मतलब आवास, जिसके पास घर नहीं उनको आवास योजना मिला है? आवास और ये जो है ये लगभग लगभग तो लगभग सभी को मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है। आपके गांव में जो बच्चे वो पढ़ते लिखते हैं कि मजदूरी करते हैं? नहीं, पढ़ते भी हैं और बेरोजगारी के दौर में मजदूरी भी तो मजबूरी ही उनकी, मजदूरी करना। तो प्रधान ऐसा कुछ करते नहीं कि मतलब बच्चे लोग ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करें? एक्चुअली उनकी मंशा पे हमने बहुत ज़्यादा राय जानी नहीं उनकी, क्या है कैसे है उनका क्या फोकस है। बट आप तो सोशल वर्कर है ना, आप तो अर्जी करते होंगे? नहीं, अभी हमने कुछ ही दिनों से हम भी यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं यहाँ लोगों के बीच में, क्योंकि हम भी पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद जॉब में चले गए, जॉब से वापस आने के बाद अभी 2-4 साल हुए हैं, तो फाइनली सोशल वर्क खुद अपने आप
लोगों के पास से कोई अपेक्षा होती है, किसी के पास जाओ तो हम क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जब तक अपने आप में आप तो फिर आप अपने गांव के बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है कुछ सोच रहे बनने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो कड़ी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करेंगे, पर अभी तो बेचारे मजदूरी करें तो पढ़ेंगे कैसे? कड़ी मेहनत वो मजदूरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उनका मूड ऑफ सेंस मेरा कहने का ये है कि वो एक्चुअल टाइम पे जगें, एक्चुअल टाइम पे सोएं, एक्चुअल टाइम पे भोजन लें, और पढ़ाई के प्रति कड़ी मेहनत उनकी होनी चाहिए, जो पढ़ने का जो समय है उस पर उनका विशेष जो है वो एक है ना, वर्क वाइल टू वर्क एंड प्ले वाइल टू प्ले, जब आप पढ़ें तो पढ़ें और जब आप खेलें तो खेलें, उस समय मेरा मतलब यही एक कहना है कि वो जब पढ़ने का समय हो तो उस पर वो पढ़ाई का ही काम करें, अंत न रहें, एक ही घंटे पढ़ें लेकिन वो जब पढ़ें तो एक कड़ी मेहनत के साथ पढ़ें। बट भैया अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपके सोशल वर्क में बच्चों का कहीं स्थान आपने लिया है कि मतलब चाहते हैं या करना चाहते हैं कि पढ़ाई के ऊपर बच्चों का? मैं अपने गांव के पुरोहित के बच्चों को बुलाता भी हूँ, शाम को बैठाता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनकी किताबों को देखता हूँ कि विद्यालय अपडेट करना चाहता हूँ अपने आप को कि ये कहाँ तक वो पढ़ाए स्कूल में टीचर और ये कहाँ तक इनको है उसका जानकारी इनको कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब उनसे फीडबैक लेता भी हूँ। हाँ ये डेली नहीं हो पाता है लेकिन ये है जहाँ जब भी समय मिलता है जैसे। नहीं नहीं मतलब उनके पढ़ाई के लिए कुछ आपने सोचा है कि कुछ और हेल्प करें उनको जो है? मैं अवेयर ये करता हूँ कि अगर आप जो वहाँ नहीं कर पाए, जो नहीं पढ़ पाए हैं आप, वो अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पिताजी भी हमारे टाइम टीचर हैं और हम भी अपने आप में भाई पढ़े लिखे तो है ही हैं, तो आप मुझसे भी अपनी वो सहायता ले सकते हैं पढ़ाई की, और हर संभव मैं मदद भी करूँगा, रही बात कहीं कोई हिंडेंस आती है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं ऐसी बात अपने जो हमारे टच में हैं बच्चे उनसे मैं ये चीज़ कहता भी हूँ, और वैसे मैं बच्चों से काम करवाता भी हूँ, पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, प्रेरित करता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे थोड़े कुछ लोग गांव में जागरूकता फैला दें तो कम से कम गांव अनपढ़ नहीं रहेगा। हाँ ना? हमारी माता जी भी हैं जो हमारी गांव की बुजुर्गें हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और कुछ बच्चियां भी हैं जो कुछ तो लोग शर्म की वजह से नहीं जा पाते, कुछ बेरोजगारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, नाम ज्ञान हमारी माता जी भी जो कॉपरेट करती हैं सब कामों में। अच्छा अच्छा भैया, इस वीडियो के माध्यम से आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं गांव में किस तरीके से रहें, या बच्चे क्या करें, या बुजुर्ग क्या करें, या किसी की हेल्प करने के लिए कुछ भी आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो भैया बहुत लोग देखते हैं। बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वयस्क हैं वो बुजुर्गों का ध्यान दें, एक सीनियरिटी जो होती है, जैसे कहीं आप जाइए तो महिलाओं को वरीयता दी जाती है, बुजुर्गों को वरीयता दी जाती है, उन चीज़ों का गांव में भी हम चाहेंगे अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं वो बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। ओके, तो सारे जितने भी लोग हैं वो सम्मान ज़रूरी नहीं है कि धन से हो या हर तरीके से, शारीरिक सम्मान को सम्मान देना है कि समाज में सम्मान है हर तरीके से, जिस तरीके से सम्मान देना चाहिए देना चाहिए। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताएं। पिताजी हमारे जो है एक प्रसिद्ध विद्यालय में अध्यक्ष हैं, तकरीबन 35 साल जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना जीवन जो है उसमें गुजारा, और उसके बाद उनके पढ़ाए कई सारे गांव के भी लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर आज तैनात हैं, वो चाहे अभी गांव के मान लीजिए जो है रामजन वर्मा जी हैं, SDI हैं, लल्लू भैया हैं, XCN हैं, हमारे खुद भैया जो हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, वो सब जो है इंजीनियर हैं, वैसे डॉक्टर मास्टर कई सारों के शिष्य हैं, और आज भी लोग गांव के बुजुर्ग लोग और जो है करीबी लोग आते रहते हैं, उनसे बातचीत करने कुछ जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं, आज भी वो अपने आप को जो है समाज के प्रति जो है पूरा। आपके लिए आपके पिताजी ने क्या किया?
अच्छी शिक्षा का व्यवस्था दिया उन्होंने, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर कि आपको ये करना है। उन्होंने स्वेच्छा अनुसार आप जो आपको चाहिए बताइए, जो हमने कहा उस अनुसार उन्होंने हमें कॉपरेट किया और हमने अपने अनुसार जो है उनके दिए द्वारा दी गई सूचनाओं का, उसके बाद जो है आज भी मैं कड़ी करता हूँ जो कि हमारे पिताजी हमेशा करते हैं। बागवानी का शौक़ हमारे पिताजी को था, वो शौक जो है मैं भी अपने पास रखता हूँ। ओके। और आपके पिताजी के पिताजी का नाम याद है आपको? हाँ हाँ। कितने बुजुर्गों का याद है आपको? हमारे पिताजी के पिताजी का नाम स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी था, वो भी बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। और उसके आगे बुजुर्गों का नाम याद है? हाँ, हमारे एक बाबा जी महादेव पांडे थे। अच्छा अच्छा। उनका समाज में बहुत उस जमाने में बड़ा ख्याति रहा। आपको उस जमाने का पता है? 100 साल पहले यहाँ से कुछ भारतीय फिजी देश गए थे, 100 साल पहले, कुछ याद है इसके बारे में? कभी पढ़ा है? हमारे बस्ती से बहुत लोग गए थे और वहीं पर रह गए हैं। अच्छा। और उनको आने नहीं दिया गया है। अच्छा। उसके बारे में अभी ये पता है कि हमारे बाबा जी जो है विजयनाथ पांडे जी जो काले पानी की सजा जो होती थी अंडमान निकोबार, वहाँ उसमें वो जो है DIG या क्या थे, बड़े पोस्ट पे थे और वो वहाँ तैनात थे अपने ही बस्ती जिले के जो है परशुरामपुर ब्लॉक में, शायद कणसरा कोई ग्राम पंचायत है। तो वहाँ के एक बाबू साहब थे, उनको सजा हुआ था काले पानी का। तो उस समय बाबा जी हमारे वहाँ पोस्ट थे, तो उन्होंने जो है उनको वहाँ से किस तरीके से कैसे क्या जो है मुक्ति दिलवा करके भेज दिए थे। और आज भी वो पूरा गाँव परसरा जो बाबू साहब का गाँव जो है वो पूरा जो है ऋणी है आज भी उनका। और वो लोग मान लीजिए हरिया तहसील में जो है 3 स्टेट हुआ करते थे, उसमें जो है GTPO था।